गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल फर्दर कंटिन्यू द दिक्क चैप्टर ऑफ हिस्ट्री आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय द ईयर माज

और डिपॉजिट्स साल 1904 की बात है अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराब जी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे दे हैड स्पेंड मैनी मंथ्स ऑन ए कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्सेस ऑफ गुड आयरन और टू सेटअप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे जमशेद ची टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्चून टू वर्ल्ड ए बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया जमशेद जी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे बट दिस कोड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन और लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उमदा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी हॉर्थ इन द फॉरेस्ट वेल्ड एंड दोराब्जी कम अपॉन ए स्मॉल विलेज एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वूमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन और एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाद छानने के बाद वेल्ड और दोराब जी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे दीज पीपल वर्दा फिन आस्क फियर दे हैड फाउंड द आयरन और द अगरिया पॉइंटेड टू ए हिल इन द डिस्टेंस ये अगरिया समुदाय के लोग थे और जब उनसे पूछा गया कि ये अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी वेल्ड एंड जी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जस्टिंग ट्रैक टू डेंस फॉरेस्ट वेल्ड और दोराब जी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे on exploring the hill the geologist declared that they had at last found what they had been looking for पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है रजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्स इन दर्ल्ड रजहारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लो ऐस्क भंडारों में से एक थी बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम लेकिन यहाँ एक परेशानी थी द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री वाज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय समस्या या परेशानी यह थी कि यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आस पास कहीं पानी नहीं था द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर ए मोर स्विटेबल प्लेस टू सेटअप देयर फैक्ट्री हाउ एयर दरियाज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ ए सम ऑफ आयरन और दैट वड लेटर सप्लाई ए भिलाई स्टील प्लांट लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही अगर यह समुदाय के लोगों ने ही लॉ अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई ए फ्यू ईयर लेटर ए फ्यू ईयर्स लेटर ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज कलियड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा टू सेट अप द फैक्ट्री एंड एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट्स इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया और इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को दैट कम अप अपन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। ट्वेल्व यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा टिस्को आज सेटअप एट एन अपॉर्चुन टाइम टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी तो द लेट नाइनटीन सेंचुरी इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैनुफेक्चर इन ब्रिटेन उन्नीसवीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड मार्केट फॉर रेल दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहा भारी मांग थी फॉर ए लॉन्ग फाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन द इंडियन रेलवेज लिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है By the time Tisco was set up, the situation was changing. जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे इन नाइनटीन फोर्टीन फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वार इन यूरोप ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया शो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इन टू इंडिया डिक्लाइन डेमेटिकली एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स इस तरह भारत आने वाली ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आसार आश्रित हो गया एज द वार ड्रैग ऑन फॉर सेवरल ईयर्स टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरियर्स व्हील्स फॉर द वार जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया बाय 1919, the द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग नाइन्टी परसेंट ऑफ द स्टील मैन्यूफैक्चर बाई 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90 प्रतिशत इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एकर्ड ओनली वेन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया डलाइंड एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रोंगर द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बीकम लॉन्डर स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकत वर्ग होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड्स इन द लास्ट डिकेट्स ऑफ कॉलोनियल रूल्स संघ भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियेशन इन जापान जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल इन हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियेशन ऑफ जापान इन द लेट नाइन्टीन सेंचुरी प्रिजेंट ए कंट्रोल टू दैट ऑफ इंडिया उन्नीसवीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया कीन टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स वनबिलिंग टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रेशन इन जापान दीज भारत में औपनिवेशिक सरकार विशेष वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी और इसके लिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। रीजन भी एज्यूम पावर टू इन जापान इन एटीन सिक्सटी एट Believed that Japan needed to industrialize in order to reset Western domination. So it initiated a series of measures to help industrialization, postal services. टेलीग्राफ रेलवेज स्टीम पावर शिपिंग बर्ड डेवलप अठारह में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी, मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए और इसलिए उसने औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए इसी क्रम में डाक सेवाएं टेलीग्राफ रेलवे और वाष्पचलित जलपोतों का विकास किया गया द मोस्ट एडवांटेज टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्टेड एंड adapted to the नीड्स ऑफ जापान पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया फॉरन एक्सपर्ट्स वर बाउट जापान प्रोफेशनल्स इंडस्ट्रियलिस्ट वर प्रोवाइडेड विथ जीनियस लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाई बैंक सेटअप द गवर्नमेंट। जापानी पेशेवर पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए लार्ज वर फर्स्ट स्टार्टेड बाई द गवर्नमेंट एंड देन सोल्ड ऑफ एट चीप रेट्स टू बिजनेस फैमिलीज सरकार ने पहले विशाल उद्योग श्री शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों को बेच दिया In India, colonial domination created barriers to industrialization. In Japan, the fear of foreign conquest spurred industrialization, but this also meant that the जापान्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम दिगनिंग वाज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी बाधाएं पैदा कर दी थीं, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था लेकिन इसका एक अर्थ अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था थैंक यू